नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, उसका रीज़न देखिए क्या है। आप लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। उसमें ये भी एक चीज़ें जानने को होगी कि सर, जनरल को कितना बजट दिया गया है, कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी इस वर्ष, OBC को कितनी मिलेगी, SC ST को कितनी मिलेगी। तो ये सारे जो सवाल हैं वो इस वीडियो में कवर होंगे। कुछ नोटिस आए हुए हैं कल की डेट में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी मतलब इसमें आपको समराइज एक मिल जाएगा, सारी चीजों का डिटेल मिल जाएगी। कितने तारीख को मिलेगी वो तो आपको मालूम ही, ऑलरेडी वो नोटिस तो आए हैं, वो भी देखेंगे। उसके अलावा बजट को लेकर जो सवाल है कि कितने ओबीसी वालों को कितने मिलेगी, जनरल वालों को कितनी मिलेगी, कितने करोड़ दिए गए हैं, ये सारी चीजें जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल होगी। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, यहां पर आपको सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपडेट की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग नोटिस से ही देखते हैं नोटिस क्या क्या आ रखी है। तो सबसे पहले एक नोटिस ये वाली आ रखी है, ये किसी स्कूल या कॉलेज की नोटिस है। वहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है, छात्रवृत्ति संबंधी सूचना, महाविद्यालय के समस्त संस्थागत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि श्रीमान जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति दिनांक 25 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च के बीच खातों में आहरित होगी। मतलब एक नई डेट आ रही है और अच्छी डेट है, 31 मार्च तक आप सभी को मालूम था, लेकिन यहाँ पर 25 से भी बोला जा रहा है। जो जिलाधिकारी जो DM है कुशीनगर के, उन्होंने जो है कि निर्देश किया सभी को, बताया जो भी स्कूल कॉलेज होंगे कुशीनगर के उनको, कि भाई 25 से लेकर 31 के बीच में पैसा भेजा जाएगा। आपके मन में एक यहाँ पर कॉमन सवाल उठा होगा, क्या सिर्फ कुशीनगर की यहाँ पर बात की जा रही है? लेकिन नहीं। अब देखो, ये भले DM जो कुशीनगर के, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन ये सारे जिलों सभी में लागू होता है। उसका रीजन ये है कि पैसा जो है कि जिले के स्तर से नहीं भेजा जाता, जबकि वो लखनऊ से भेजा जाता है, प्रदेश स्तर पर भेजा जाता है। इसलिए अगर ये आदेश अगर इनको DM साहब को अगर ऊपर से मिला, तो ये सभी जिलों के लिए अप्लीकेबल होगा। यानी कि 25 से भी आप लोग उम्मीद कर सकते हो, फाइनली देखो 25 से लेकर 31 के बीच में भेजा जाएगा। पहली नोटिस हो गई, तो दूसरी नोटिस देख लेते हैं। एक और नोटिस आई है, कल दो तीन नोटिस आ रखी थी, देखिए 22 मार्च की है। ये कहाँ की है? देखो, ये महाराजगंज के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मतलब वहाँ से है, महाराजगंज से। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति, मतलब कि इसको इन्होंने प्रेस रिलीज किया है, जो स्टूडेंट उनके पास जा रहे हैं शायद उसकी वजह से लोगों ने डेट के लिए ये सारी चीज़ें मतलब इन्होंने अनाउंस की, एक तरह से बताया। जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिवृत्ति धनराशि वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो कि दिनांक 31 तक पूर्ण कर ली जाएगी। देखो, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो उनके पास भाई बच्चे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, IGRS कर रहे हैं, उसके लिए तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज करके बता दिया कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं परेशान ना हो, सभी का जो है कि 31 मार्च तक जो है कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी छात्रवृत्ति भेजे जाने की, जो कि आपको पहले से भी अलग अलग अपडेट्स आ रही हैं, कल की डेट की अपडेट है। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करने के लिए लिखी हुई है कि बैंक खाते को यहाँ पर संचालित रखें और 31 मार्च तक प्रतीक्षा करें, मतलब आपको 31 तक वेट करना है, जो कि मैंने भी आपको बताया हुआ है कि 31 तक आपको वेट करना है। उसके और एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने की बात यह है, बैंक खाते को आपको संचालित रखना है। वो कैसे? देखो, संचालित रखने में दो तीन चीज़ें आती हैं, एक तो आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, एक तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया आपके अकाउंट में ना लगा हो। जैसे होता है ना बैंक अकाउंट में कि 500 आपको मिनिमम रखने होंगे, तो वो क्राइटेरिया आपको देखने हैं और उसको एक्टिव रखना है। उसमें कुछ ट्रांजेक्शन करके रखिए ताकि ये खाता एक्टिव रहे। दूसरी चीज़, आपके खाते में आधार सीडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सभी में से, वो होनी चाहिए। अब वो कैसे आपको देखनी, बहुत लोगों का भी मेरे से कल कुछ लोगों ने पूछा कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल में 2 मिनट में 1 मिनट में देख सकते हो कि आपके खाते में आधार सीडिंग हुई है या नहीं हुई है। वो कैसे देखते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो में बची हैं, बजट को लेकर और कितने 50 लाख में क्यों बोला, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग वीडियो के दूसरे हाफ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको आधार सेटिंग चेक करनी हुआ नहीं, आपको सर्च करना सरकारी जॉब फाइंड, आपके सामने जो वेबसाइट आएगी आपको बस इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिंक खुलकर आ जाएगी, चेक UP स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब जिन लोगों को आधार सेटिंग देखनी है कि हुआ नहीं हुआ, उसके लिए आपको देखो यहाँ पर एक लिंक आपको दिखाई देगी, UID आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, ये आपको चेक करना है। यहाँ क्लिक हेयर करोगे आप तो देखो वेबसाइट खुल के आ जाएगी, आधार वाली वेबसाइट खुल कर आएगी। यहाँ से आप अपनी आधार नंबर और OTP डाल के देख सकते हो कि आपका खाता जो है एक्टिव है कि नहीं, आधार सेडिंग हुई है या नहीं हुई। यहाँ से सारे लोग एक बार जरूर अपना चेक कर लें और जो है कि अपना अकाउंट जरूर देख लें, मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया उसमें ना हो, क्योंकि अब छात्रवृत्ति का बस कुछ 5-7 दिन और रह गया है ट्रांजेक्शन होने में। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे हाफ में और बाकी चीज़ें हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं।
तो देखिए आपने एक प्रेस रिलीज तो ये वाला देख लिया, ये एक प्रेस रिलीज कहाँ का है, ये देखिए महाराजगंज का एक तो देख लिया आपने। अब ये कल आपको मैं बता दूं, जितने भी समाज कल्याण विभाग है, जितने भी हर जिले के, उन सभी ने प्रेस रिलीज किया। लखनऊ से उनको ऑर्डर था तभी उन्होंने सभी ने प्रेस रिलीज किया। अभी एक और जिले का आपको दिखाया था, देखिए कानपुर का भी प्रेस रिलीज है 22 मार्च को, इन्हें भी देखिए प्रेस विज्ञप्ति, इसमें भी देखो सेम चीज यही चीज लिखी हुई। प्रेस रिलीज करके बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि छात्र जो है परेशान हो रहे हैं, जिले तक जा रहे हैं, ट्रेवल करके पैसा खर्च कर रहे हैं, सो उसके लिए देखो इन्होंने निकाल है कि आप लोग को परेशान नहीं होना है, छात्रवृत्ति जो वितरण की जो कार्रवाई है वो 31 मार्च तक पूर्ण कर ली जाएगी। अब देखो इतने सारे मैंने आपको सर्कुलर इसलिए दिखाया कि 31 मार्च वो लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि 31 तक वेट कर लीजिए, हो जाएगा। तो उम्मीद रखिए आप लोग 31 तक 50 लाख लोगों को छात्रवृत्ति भेज ही दी जाएगी, क्योंकि यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि छात्र हित में ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, आपका खर्च हो रहा है भाई, किराए में जा रहा है, उन चीजों में जा रहा है, उनको ध्यान रखते हुए इन्होंने प्रेस लीच करके बता दिया कि सभी जो छात्र हैं उनको इंतजार करना होगा 31 मार्च तक। देखिए प्रक्रियाधीन है, 31 मार्च तक पूर्ण कर ली जाएगी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये कानपुर का था, ये महाराजगंज का था, उससे पहले भी मैंने एक जगह का दिखाया था। तो ये सारी चीज़ों को एक और देखिए, यहाँ पर IGRS पर भी रिप्लाई आया था छात्र को 20 मार्च को, वहाँ पे भी देखिए यही चीज़ इन्होंने रिप्लाई किया कि माह मार्च के अंत तक जो है कि पैसा आपका भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने दिखा दी कि अब आपको ये तो पता चलेगा कि 31 मार्च तक भेजा जाएगा। अब एक कॉमन सवाल बजट को लेकर कि 50 लाख लोगों को मिलेगा, फॉर्म कितने लोगों को भरा गया वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो ये अमर उजाला का कटिंग है, ये देखिए 25 फरवरी का है, 25 फरवरी की शाम का जब बजट आया था, 2023-24 का बजट जो आया था उसके ऊपर ये आया था कटिंग, ये न्यूज़ उसके ऊपर आई थी। तो इसमें 22-23 के बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सामान्य और OBC के 6 लाख ज़्यादा छात्र पा सकेंगे छात्रवृत्ति। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। मैं आपको वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करीब हर साल 50 लाख के आसपास लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। बजट में वृद्धि होने से अगले सत्र की बात हो रही है 23-24 की, ये वाला नहीं जो भी हम लोग चल रहा है, ये नहीं, अगला जो शुरू होगा 1 अप्रैल से, सभी वर्गों के करीब 56 लाख छात्रों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। अगले सत्र में 6 लाख बढ़ जाएंगे, जबकि चालू वित्त वर्ष में 50 लाख छात्रों को लाभान्वित होने का अनुमान है। मतलब इस वर्ष ये वाला जो चल रहा है, मतलब जो अभी हम लोग देख रहे हैं 22-23, इसमें करीब 50 लाख टोटल, इसमें सिर्फ टोटल बात की जा रही है, यानी कि OBC जनरल SC ST माइनॉरिटी सबको मिला के पूरे स्टूडेंट 50 लाख ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ बजट का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष यानी कि जो अगला आ रहा है 23-24 के बजट में, उसमें पैसा बढ़ा दिया गया, सामान्य वर्ग के लिए 105 करोड़ रुपए अधिक किया गया है और OBC छात्रों के लिए 450 करोड़ बढ़ाया गया। मतलब इन दोनों वर्गों के लिए जो छात्रवृत्ति की राशि है जो अभी तक है उसको बढ़ा के इतना अमाउंट बढ़ा दिया गया, मतलब जनरल के अमाउंट में 105 करोड़ बढ़ाया गया है और OBC के 450 करोड़। इसमें करीब 6 लाख से ज़्यादा, मतलब इन जो पैसा बढ़ा है करीब 550 करोड़ के ऊपर, इसकी वजह से 6 लाख एक्स्ट्रा छात्रों को अगले वर्ष से जो है कि पैसा का लाभ मिलेगा, छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, जबकि इस वर्ष 50 लाख लोगों को मिलेगा। इस बार यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखो यहां पे बजट भी लिखा हुआ है, सिर्फ सामान्य वर्ग का लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बजट में कुल 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पिछले साल यह बजट सिर्फ 425 करोड़ रुपए था, मतलब जो अभी चल रहा है जिस सत्र के हम लोग इंतजार कर रहे हैं पैसा मिलेगा वो है 425 करोड़ रुपए। जनरल की बात की जा रही है यहां पर, OBC और उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। अब देखो ये इसको समराइज कर देते हैं, यहाँ पर आपको समझने की चीज़ क्या है। देखो पहली चीज़ कि इस बार टोटल स्टूडेंट सारे कैटेगरी मिला के वो होंगे 50 लाख जिनको छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर एक कॉमन सवाल जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सभी का जो कैटेगरी वाइज होता है वो बजट अलग अलग होता है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी देख लिया कि OBC का बजट अलग है, जनरल का अलग बजट जो है अलग है, SC ST का अलग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आपकी कैटेगरी के बजट से ही पैसा मिलेगा, उसके अलग से आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर जनरल के बजट देखो यहाँ पर कितना है, 425 करोड़ है इस साल, तो इसी 425 करोड़ में से पूरे जनरल कैटेगरी को पैसा मिलेगा। तो आपको मतलब ये सवाल नहीं उठाने कि SC ST वाले को मिल गया, जनरल को नहीं मिला या जनरल को मिल गया, क्योंकि आपकी कैटेगरी में जितना आपके कैटेगरी में सरकार ने आवंटित किया था बजट, उसके हिसाब से आपके आपकी कैटेगरी को आपके जो आपको आवंटित किया गया था उसी में से आपको पैसा मिला है। मतलब वो किसी और कैटेगरी का पैसा कोई और नहीं खा रहा है, ये जो सरकार बजट में देती है भाई वो अपना अपना उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आपने ये चीज़ देख ली बजट कितना है, 50 लाख लोगों को मिलेगा। अब आपको ये भी जानना होगा कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, आखिर बाकी कितने लोग बचेंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, वो स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ। ये देखिए समरी है 2022-23 की, जो इस बार फॉर्म भरे गए हैं, तो टोटल फॉर्म भरे गए हैं करीब 83,62,000, उसमें से जो है कि फाइनल सबमिट किए गए वो 81,42,000 हैं
और कॉलेज के द्वारा जिले तक उनको पहुंचाया गया वो है 74,38,416 फॉर्म। तो 74 लाख के करीब में फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से 4 लाख के करीब में रिजेक्ट किए गए हैं, 70 लाख जो है वेरीफाइड फॉर्म निदेशालय करीब करीब लखनऊ भेजे गए हैं। अब 70 लाख वेरीफाइड फॉर्म लखनऊ भेजे गए हैं, आपको मालूम है छात्रवृत्ति कितनी की मिलेगी, 50 लाख छात्रों को मिलेगी। तो जो 20 लाख बच गए वो बच जाएंगे, जो आपको स्टेटस में लिख के आता है ना कि आपको फंड की कमी के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी गई, तो इस बार भी 20 लाख छात्र ऐसे होंगे जिनके में ये लिख के आएगा। तो आपको ये चीज़ें मैं इसलिए क्लियर करना चाहता कि आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो टोटल फॉर्म 70 लाख के करीब में ऊपर लखनऊ गए हैं, उसमें सिर्फ 50 लाख को ही मिलेगी छात्रवृत्ति। 20 लाख लोग हर बार रहेंगे, इस बार भी रहेंगे, अगले बार भी रहेंगे, अगली बार हो सकता है कि कम लोग रह जाएं, 10-15 लाख रहे, लेकिन इस बार 20 लाख लोग बच जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा वेरीफाई होने के बाद भी। ये मैंने आपको समझा दिया था कि आपको आइडिया रहे बजट क्या है, कितने फॉर्म भरेगा, ये सारी चीज़ें। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा इसी तरह की अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। सो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।